और दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिवर्मिंग के ऊपर है। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी जी आज की आपके लिए, और पहले अभी इस पर हमने कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाई डिवर्मिंग की, लेकिन आज जो हमको डिवर्मिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो सबसे अहम है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि डिवर्मिंग के बारे में कि डिवर्मिंग बकरियों के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे अपने बकरियों की डिवर्मिंग करनी है और कितने समय पे डिवर्मिंग करनी है बकरियों की। ये सारे पॉइंट पे हम प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मर को नहीं पता होता कि डिवर्मिंग हमने कैसे करनी है बकरियों की। तो डिवर्मिंग ना करने की वजह से हमारे जानवरों का काफ़ी नुकसान होता है, छोटे बच्चों का भी नुकसान होता है। तो उसमें इस पॉइंट के बारे में वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो आप फार्मर नए हमारे SR कमर्शियल गॉड फार्म चैनल को देख रहे हैं या फेसबुक पेज को देख रहे हैं, पेज को फॉलो जरूर कर लें फेसबुक को, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि गॉड फार्मिंग में जो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली टेक्नोलॉजी और नई नई कोई क्रिएशन वाली कोई ऐसी वीडियोज़ हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। पूरी वीडियो आपने ज़रूर देखना है बिना स्किप किए हुए, बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिवर्मिंग होती है उसका क्या मीनिंग होता है, डिवर्मिंग किसको बोलते हैं। डिवर्मिंग का मतलब होता है सर कि चाहे आपकी बकरी है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, कोई भी आपका पशु जो घर पे आप उसको पाल रहे हो, जो बाहर की चीज़ें खाता है, चाहे आप उसको फीड खिलाते हैं, हम उसको बाहर की हरी पत्तियाँ खिलाते हैं, बकरियों को जैसे चरने के लिए भेजते हैं हम, और फार्म पे बकरियों को हम खिलाते हैं, तो जब भी आपका जानवर कोई ना कोई चीज़ खाएगा उसके पेट में जाएगी, तो उसके साथ साथ क्या है कि उनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। जो क्या है कि जो आप बकरी आपका खाना खाती है वो बकरी के पेट को नहीं लगता, बकरी के शरीर को नहीं लगता, वो जो हैं वो कीड़े उसके खाना लग जाते हैं। तो धीरे धीरे उसकी तादाद है जो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और जानवर आपका धीरे 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 क्या उसका खून सूखने लग जाता है, खून कम होने लगता है जानवर का, और धीरे धीरे आपका जानवर बिल्कुल कमज़ोर होकर वो बीमार पड़ जाता है। तो डिवर्मिंग का मतलब है कि बकरियों के जो अंदर के जो उसके खाने पीने से उसके पेट के कीड़े पैदा होते हैं तो उनको हमने ख़त्म करना, तो उसके लिए हम डिवर्मिंग करते हैं। तो डिवर्मिंग में कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन है, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, कैसे अपने डिवर्मिंग करनी है बकरियों की, ये आपको नेक्स्ट पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जानवर में डिवर्मिंग आपने कब करनी है, कि डिवर्मिंग के ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो आपको अपने जानवर में दिखने चाहिए, उसके बाद ही आप उसको पेट के कीड़े मारने की दवाई वो आप जानवर को पिला सकते हैं जी। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि आपने जानवर की पहचान कैसे करनी कि इसकी डिवर्मिंग करने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो कोई भी जानवर है जी आपका, अगर किसी जानवर में कोई उसके पेट में गड़बड़ है, जहाँ उसको बुखार है, जहाँ उसके कोई कहीं पर दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले कि क्या आपका जानवर क्या सुस्त रहेगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। सबसे पहला सिम्टम ये है कि बीमार जानवर की पहचान करना कि आपका जानवर सुस्त रहेगा, वो एक्टिव नहीं होगा, सिर झुका के जहाँ बैठा रहेगा, जहाँ डिस्टर्ब रहेगा जानवर आपका, अच्छे से चल फिर नहीं पाएगा। सबसे पहला सिम्टम आपने ये नोट करना जानवर में कि अगर जानवर आपका एक्टिव है, जुगाली अच्छे से कर रहा है, खा पी अच्छे से रहा है, तो वो ठीक है, स्वस्थ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो होता है कि अगर डिवर्मिंग पेट में आपके कीड़े बकरी के या आपके गाय भैंस के ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या है कि आपके जानवर को दस्त लगने की समस्या हो सकती है। कभी कभी देखा है हमने कुछ फार्मर होते हैं कि जानवरों को दस्त लग जाते हैं, लेकिन दस्त के लिए क्या हम उनको सल्फाडेमाइन की गोलियां ऐसा कुछ को दवाइयां उनको देते रहते हैं, कुछ टाइम एक दिन के लिए दस्त बंद होते हैं, दोबारा फिर से लग जाते हैं जी। ये दस्त लगने का कारण क्या है, क्योंकि दस्त लगने का जो मेन कारण है कि जो उसके पेट में शरीर में कीड़े हैं वो उसका डाइजेशन सिस्टम है, जो उसका जो पाचन प्रणाली है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए आपको जानवर को दस्त लगते हैं जी। दस्त लगेंगे जानवर का सुस्त रहेगा, दूसरा पॉइंट या दो पॉइंट मेरे को बता दिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जानवर आपका अगर डिवर्मिंग करने लायक है या नहीं है, सबसे मेन पॉइंट है कि जो आपने क्या करना है कि आपके जानवर की जो जो आँख है ना, तो आँख के आपने नीचे वाली जो झिल्ली है ऊपर वाली, ये देखिए, ये देखिए, ये झिल्ली है ना, ये आपकी जो जानवर की है पिंक कलर की होनी चाहिए, जैसे क्या वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल पिंक कलर, रेडिश पिंक कलर इसको बोलते हैं, जैसे इसके भी हम देख सकते हैं, ये देखिए जी रेडिश पिंक कलर है झिल्ली का, दोबारा दिखा दो एक बार, ये देखिए सर रेडिश पिंक कलर की झिल्ली है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पेट में कीड़े नहीं है। अगर ये झिल्ली आपकी थोड़ी सी वाइटिश कलर में चली जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए, पिंकिश जो कलर है उसका वो ना रहे, बिल्कुल वाइट दिखने लग जाए, जैसे कि सपोज करो थोड़ी सी हम देखते हैं,
जैसे कि इस तरीके जब ऊपर देख रहे हो थोड़ी सी वाइट दिख रही ना जी, ऐसे ऐसे वाइटिश कलर में सारी झिल्ली आपकी शो होने लग जाए तो समझो आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं। तो उसको उसके बाद चौथा जो सिम्टम है कि आपने कैसे पहचान करनी है कि जैसे जी आप जानवर देख रहे हैं, जैसे सारे हेल्दी जानवर हैं, इनका पेट पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। जैसे जी एक हमारी बकरी है तो इसमें पेट में थोड़े से कीड़े हैं इसके, आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल हम कैसे जी अपनी चेक किए हैं। तो उसका क्या है कि पेट ना बकरी का आपका खाली रहेगा, आप उसको कितना भी खिला दो उसका पेट बाहर की तरफ नहीं आएगा, वो ऐसे ही अंदर की तरफ रहेगा पेट बकरी का। उसके पेट में कीड़े होंगे क्योंकि वो खाया पिया होगा, जो बकरी खाएगी वो उनके जो पेट में कीड़े हैं उनको लगेगा, वो बकरी के शरीर को नहीं लगेगा। तो एक पहचाना था जैसे कि हम देख रहे हैं झिल्ली के बारे में आपको बताया था मैंने, तो ये देखिए इसकी झिल्ली जी वाइटिश कलर की हो रही है, देखो प्रॉपर पिंकिश रेड नहीं है, ये वाइट कलर में थोड़ी थोड़ी जा रही है। तो इसके पेट में कीड़ों की शुरुआत अभी हुई है, ज़्यादा नहीं हम बोल सकते क्योंकि हल्की वाइटिश है। तो ऐसे करके अपने झिल्ली की पहचान से आपने सिम्टम पता लगाने हैं कि बकरी के डिवर्मिंग करने लायक है या नहीं लायक है आपकी। बाकी आपको सीधा पता चलेगा कि जानवर आपका कमज़ोर होगा जब उसको आप कितना भी खिलाओगे वो उसको नहीं लगेगा उसके शरीर को, तो उसके पेट में समझो कि आप कीड़े हैं। तो अब मैं बताऊँगा अगले नेक्स्ट आपको कि आपने डिवर्मिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ आपने बरतनी है, दूसरा है कौन कौन सी अपने मेडिसिन है डिवर्मिंग वाली जिनका रिजल्ट सबसे अच्छा है, जो हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं अपने फार्म पे, कौन कौन सी दवाइयाँ आपने बरती हैं डिवर्मिंग करने के लिए, और कितने टाइम पे आपने बकरियों की डिवर्मिंग करनी है, और कितनी एज के बच्चे को डिवर्मिंग हम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पेट में कीड़े होने के बकरियों के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारणों से बकरी के पेट में कीड़ों की जो कीड़े पैदा होती हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण है कि जब आप देख रहे हैं कि अब रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, बारिश हो रही है पूरे जोर से, तो अब क्या है कि धरती में जो घास फूस की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। घास फूस को बकरियों के लिए ग्रेजिंग की जगह बहुत हो जाती है, इनके चरने के लिए घास फूस बहुत हो जाता है। तो उसमें क्या है कि जब रेन पड़ती है, गर्मी का सीजन है, तो धरती में हीट पैदा होती है। तो हीट पैदा होने की वजह जो वॉर्म्स हैं, जो उनके अंडे हैं, उनका लार्वा है, कुछ भी है कीड़ों का, तो वो ऊपर घास के ऊपर आ जाते हैं सारी धरती से निकल के। घास के ऊपर आने से क्या होता है कि बकरियां जब उसको खाती हैं घास को, तो सीधा डायरेक्ट उनके पेट में वो चले जाते हैं, तो उसके बाद वो पेट के कीड़ों को उसमें क्या खून चूसते हैं बकरियों का, आपका जानवर को दस्त लगा देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर कर देते हैं। तो ग्रेजिंग का भी एक कारण है कि बकरियों के पेट में कीड़े पैदा। उसके बाद दूसरा जो कारण है पेट में कीड़े पैदा होने का कि सबसे मेन अहम है, जो देखिए इंसान के लिए भी अहम है, जानवरों के लिए भी अहम है, पक्षियों के लिए पाए, वो है पानी सर। जितना दूषित आपके जानवर पानी पिएंगे उतने ही उनके पेट में कीड़ों की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, उनके प्रॉब्लम पेट की बीमारियां उनको लगेंगी। तो सबसे मेन कारण है कि जब आपके जानवर ग्रेजिंग पे जाते हैं तो सर, तो बाहर क्या है कि हमें पीने के पानी की जो व्यवस्था है जानवरों के लिए प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो उसमें क्या है कि जानवर कभी कभी आपका कोई खाड़ा है उसमें पानी रुका हुआ है, तो जानवर ने उसमें से पानी पी लिया, वो तीन चार दिन का पानी रुका हुआ है। कई जो चराते हैं नदियों नालों के कंडों पे जानवरों को पानी पिलाते हैं, वो दूषित पानी होता है सारे का सारा। तो उसमें क्या है कि वॉर्म सारे वो ऐसे कीटाणु जीवाणु सारे उसी पानी में होते हैं, तो वो सीधा बकरी के पेट में उससे भी चले जाते हैं। तो दूषित पानी पीना भी जानवरों का एक सबसे बड़ा कारण है पेट में कीड़े पैदा होने का। तो इसके लिए क्या है कि कोशिश करें कि आप अपने जानवर को जितना स्वस्थ पानी है उतना ही अच्छा अच्छा पानी पिलाएं। जितना ताज़ा पानी आपके जानवर पिएंगे तो पेट के कीड़ों की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो आपके जानवर में उतनी ही कम आएगी। तो तीसरा जो कारण है जी पेट में कीड़े पैदा होने का, तो देखिए सबसे पहले बकरियों का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये समस्या बच्चों में पैदा होती है। जो पेट में कीड़े होते हैं बच्चों के, तो बच्चों के पेट में भी कीड़े होते हैं। अब आपका सवाल होगा कि बच्चे तो जी बाहर भी नहीं चरते, जब तो 3 महीने देखा ओनली माँ का दूध ही पीते हैं, तो फिर इनके पेट में क्यों कीड़े हैं, वो कैसे आ सकते हैं। तो उसका भी एक कारण है सर बच्चों में कीड़े आने का पेट में। तो उसका क्या रीज़न है कि जब आपका बच्चा है, अगर बकरी के आपके उसके बच्चे की माँ के पेट में कीड़े हैं, तो वो दूध के रूप में जब बच्चा बकरी को आप दूध पिलाते हैं, बकरी का दूध पिलाते हैं हम बच्चे को, तो वो दूध के रूप में भी उनके शरीर में कीड़े हैं जो अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो उसके क्या है कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा आपका 10-15 दिन का होता है तो उसको दस्त की समस्या आ गई जी, बच्चे आपका दूध पीना छोड़ देते हैं जी, और उनकी जो बच्चों की आपकी आँख होती है ना, तो आँखों में बिल्कुल जैसे क्या है कि झिल्ली सी बन जाती है। ये देखिए जैसे तो बच्चे में थोड़ी सी दिक्कत सी, अब सही हो गया जी। इसकी देखो इसके पूरी पिंकिश है, पूरी पिंकिश देखो, ऐसे ही आपकी बकरी की आँख होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि आँखों में जैसे गिड आना जी, ठीक है,
ये भी एक कारण है, आंखों में पूरी गिड़ आ जाना, तो वो लीवर में भी दिक्कत, क्योंकि छोटे बच्चों को लीवर को इफेक्ट करते हैं वो जो कीड़े होते हैं। तो उसके बाद दूसरा कारण है कि जब हम बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बकरियों का हम थन नहीं साफ करते जी, थन को धोते नहीं अच्छे से, पोटाश लाल दबा के साथ अगर हम थन को साफ करके बच्चों को दूध पिलाएंगे तो ये समस्या बहुत कम आएगी आपको। हम क्या करते हैं, बकरी आपकी नीचे बैठे जमीन के ऊपर, तो उसके बाद सीधा बकरी को पकड़ा, बच्चे को बकरी के नीचे डाला और उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। बिना थन साफ किए हुए बच्चों को दूध कभी मत पिलाना चाहिए। तो थनों को साफ करें और अपनी बकरी की जो डिवर्मिंग है अगर आप टाइम सिर करोगे तो जो आपके छोटे बच्चों में पेट के कीड़ों की समस्या है वो बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। ये आपको मैंने सबसे पहले वीडियो में बता दिया था कि आपने डिवर्मिंग का मतलब क्या होता है, डिवर्मिंग पीड़े पेट में जो कीड़े हैं वो कैसे पैदा होते हैं। तो इनके यहाँ बताऊँ कि मैं अपने सावधानियाँ कौन कौन सी बरतनी कि आपके ये पेट के कीड़ों की समस्या बकरियों में कम आए। और अगर आप ये डिवर्मिंग आपने कैसे करनी है, तो सबसे पहले बता दूँ कि जो आप जब आप बकरियों को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं तो ग्रेजिंग के टाइम पे आप ज़्यादा जल्दी सुबह के टाइम में ज़्यादा मॉर्निंग में जब मत निकालो बकरियों को बाहर, क्योंकि तब क्या है कि जो आपका घास फूस बाहर उगा हुआ है तो उसके ऊपर पानी वगैरह होता है सारा, तेल जिसको हम बोलते हैं, तो सारी इसमें पड़ी होती है। तो जब प्रॉपर तरीके धूप निकलती है, अच्छी धूप निकलने के बाद या बकरियों को ग्रेजिंग के लिए छोड़ो। दूसरा है कि आपको बता दिया था कि दूषित पानी है जो रुका हुआ पानी है खालों में या कहीं भी अपटुओं में पानी पड़ा है, खड्डों में या कहीं पानी रुका हुआ, तो उसको आप पिलाने से ग्रेज करें, बकरियों को मत पिलाएं, साफ पानी ही पिलाने की कोशिश करें। उसके बाद तीसरा है, जब आपने डिवर्मिंग करनी भी है बकरियों की, डिवर्मिंग करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आपने क्या करना है कि जो डिवर्मिंग है वो सुबह खाली पेट ही बकरियों की करें। डिवर्मिंग आपने बकरियों की खाली पेट ही करनी है, तो उसमें क्या है कि खाली पेट बकरी ने कुछ नहीं खाया होता, सारे कीड़े बिल्कुल एक जगह इकट्ठे होते हैं बकरी के, जब आप उसको पेट के कीड़ों की दवा पिलाओगे तो वो जल्दी ही बकरी के शरीर के जाके अंदर असर करेगी। तो उसके बाद कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आपने बकरी को खिलाने के लिए देना है। तो ये देखिए मेरे हाथ में ये ब्रेवैक कंपनी का डिवर्मर देख रहे हैं, जो निलजान है सर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि ये अपने ध्यान रखना है कि जो इंडिकेशन है वहाँ पे लिखा होना चाहिए, अगर कोई भी कंपनी का डिवर्मर आप ले रहे हो सर तो उसमें क्या है कि ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होना चाहिए, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसका मतलब होता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के पेट के सभी प्रकार के कीड़े, जितने भी प्रकार के कीड़े बकरियों के पेट में या जानवरों के गाय भैंस के पेट में पैदा होते हैं, ये सभी को ख़त्म करता है। जिन पे ये नहीं लिखा होता तो वो क्या है कि स्पेसिफिक होता है, वो किसी किसी किस्म के, किसी एक किस्म के या 2 किस्म के पेट के कीड़ों को ख़त्म करेगा, बाकी शरीर में जो पेट के कीड़े वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो जिस चीज़ का ध्यान रखना है, आप किसी भी कंपनी का डिवर्मर लिखा लोगे तो उस पर ये लिखा होना ज़रूरी है ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसका ये मीनिंग होता है कि ये पेट के सभी प्रकार के लिए कीड़े के लिए होता है। तो ये मेरे हाथ में ब्रेवैक कंपनी का निलजान है, जो एक डिवर्मर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसको हम देख के दिखाएंगे आपने डिवर्मिंग बकरी की करने कैसी है। तो सबसे पहले देखो इसकी डोज आप पढ़ो जी, ये क्या है कि 1 ml 3 kg बॉडी वेट, 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट, ठीक है। तो आपने क्या है इसको ड्रंच करना है, इसको मुंह के साथ पिलाना है, मुंह से सिरिंज में भर। तो हम क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं कि डिवर्मिंग आपने बकरी करने कैसी है। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि ये 1 ml 3 kg बॉडी वेट के लिए, तो आपने अनुमान लगा लेना, जैसे कि ये हमारी 40-45 kg की बकरी है तो हम इसको 17-18 ml हम इसको जो है कि निलजान की जो दवा हम पिलाएंगे, 16-17 ml बनती है हिसाब से। तो 50 kg की बकरी को आप आराम से 20-22 ml तक आप इसको दवा को पिला सकते हैं जी, 50 kg बकरी को 20 ml के आसपास, 20-22 ml। अगर आपका जानवर कोई छोटा बच्चा है जिसका वजन 15-20 kg है तो उसको आप क्या है 5 से 10 ml के बीच बीच आप दवा उसको पिला सकते हैं जी। तो देनी कैसे, आपने ये सिरिंज में ऐसे भर लेना उसको, उसके बाद क्या है कि आपने बकरी को मुंह में सिरिंज को ऐसे डाल के तो हमने इसको खुश कर देना है। ऐसे करके हमने जो डिवर्मिंग है बकरी की वो कर देनी है। तो सभी जानवरों का अपने ऐसे मुंह के साथ ड्रंच करना है सिरिंज में भर के। तो यही था आज की वीडियो का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बता दिया कि आपने डिवर्मिंग बकरियों को कैसे करनी है प्रैक्टिकल वे से, और सारा आपको प्रैक्टिकल करके हमने इस वीडियो में पूरा दिखाने की कोशिश की है कि डिवर्मिंग कौन कौन सिम्टम होते हैं, किन किन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है डिवर्मिंग करते समय, और पेट के कीड़े पैदा होने की समस्या कैसे होती है बकरियों में। तो उन चीज़ों से आप अगर जी चीज़ें इस्तेमाल अपने फार्म पे अप्लाई करोगे तो आप ज़रूर आपको बकरियों को उसके हेल्दी रहने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, और वो
ऐसी कौन कौन सी और दवाइयां हैं जिनके साथ हम बकरियों की डिवर्मिंग आप कर सकते हैं, और कितने टाइम पे आपने बकरियों की डिवर्मिंग करनी है, और ये आपको सारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और बच्चों की डिवर्मिंग खास करके हम उसके आपको बताऊंगे कि छोटे बच्चों की डिवर्मिंग आप कितनी एज के बच्चों कर सकते हैं और कब करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को, और आगे से आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो फेसबुक के देख रहे हैं वीडियो को पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। तो एक बात आपको और बता दूं मैं कि जैसे आपको पता है कि अपने फार्म एसर कमर्शियल गॉड फार्म पे जो है कि बकरियों की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो ट्रेनिंग में क्या है कि हम प्रॉपर तरीके प्रैक्टिकल तरीके सारा कुछ बताते हैं आपको। 3 दिनों का हमारा बैच होता है, उस बैच की जो नई डेटा हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, तो बुकिंग के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग का आपको सरकारी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। धन्यवाद।